नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की पल पल की अपडेट, अथेंटिक अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। और पिछले दो वीडियो में हमने बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी पेट कब होगा और इसका मोड अब ऑफलाइन ही कराया जाएगा। और एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है आप सभी छात्रों के लिए कि यूपी ट्रिपल एससी के पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये रही आज 13 फरवरी की सबसे बड़ी अपडेट, बाबुओं की भर्ती में अंग्रेजी ज्ञान हो सकता है अनिवार्य। जिस प्रकार से अभी तक यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम के पाठ्यक्रम में इंग्लिश सिलेबस में नहीं था, एक और यहां पर सब्जेक्ट ऐड किया जा रहा है। और पूरा क्या पाठ्यक्रम होगा, किस प्रकार से प्रश्नों का डिवाइडेशन होगा, उसको भी हम बताएंगे। पहले यहां पर देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में अंग्रेजी के सवाल शामिल करने का प्रस्ताव। यूपी ट्रिपल एससी की समूह ग भर्ती में अंग्रेजी ज्ञान जरूरी हो सकता है। आयोग की प्रारंभिक सरकारी परीक्षा पेट में अंग्रेजी के सवाल शामिल करने का प्रस्ताव है। शासन से पाठ्यक्रम अनुमोदित होते ही आयोग इसे जारी कर देगा। आयोग ने इन नई भर्तियों में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली का फैसला किया है। जो नई भर्तियां आएंगी, पिछला जो भर्ती है जिसका एग्जाम नहीं है उसी पैटर्न पर होगा। पेट से संबंधित पाठ्यक्रम शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है। शासन ने आंशिक सहमति दी है, तो आप यहां पर देख सकते हैं आंशिक सहमति दी है। और किस प्रकार से प्रश्नों का डिवाइडेशन होगा, चलिए हम उसको भी बता देते हैं कैसे कैसे अब आपको तैयारी करनी है। और हमारे चैनल के माध्यम से लगातार यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम को कवर किया जा रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम पढ़ाते हैं वो आपके एग्जाम में मिलते हैं, तो इस प्रकार से इंग्लिश के प्रश्नों को भी हम बिल्कुल आप लोग की तैयारी कराएंगे। चलिए डिवाइडेशन को देखते हैं। और दोस्तों यूपी स्टेट की सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर आप घर बैठे एक ही फीस में करना चाहते हैं तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं और इस रेफरल कोड के माध्यम से आप किसी भी कोर्स में आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे कोर्सेज, मेरे जीके का मास्टर क्लास चलता है, सब कुछ बिल्कुल फ्री वाली क्लास है मेरी। और ये लोअर पीसीएस फाउंडेशन कोर्स है, ये स्टार्ट हो चुका है। बात करते हैं पीसीएस प्रीलिम का, जीएस कवेज 100 टारगेट। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मिलेगा जिसमें आप देख रहे हैं ज्योग्राफी और पब्लिक एड, साथ ही साथ आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगी और पॉलिटिक्स भी। तो चार सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल हैं, उसी फीस में आप तैयारी कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा फीस आप लोग को नहीं देनी है। फीस मात्र साल भर की 7,000 रुपये है, जिसमें 10% डिस्काउंट होगा सक्सेस मंत्रा रेफरल कोड से। तो ये थी उपयोगी जानकारी कि आपको अदर प्लेटफॉर्म पर यूपी पीसीएस तैयारी के लिए 25,000 से 30,000 रुपये, ऑनलाइन मोड में कंप्लीट तैयारी के लिए अगर केवल प्री की तैयारी करते हैं तो आपको 6,000 से 7,000 रुपये केवल प्री कराकर बीच मझधार में छोड़ दिया जाता है। न मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है ना ऑप्शनल की। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप इच्छुक हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 5 नंबर के होंगे अंग्रेजी के सवाल, यानी कि टोटल आपका जो 25-25 डिवाइजेशन था जिसके पहले था 100 नंबर का आपका सरकारी परीक्षा होती पेट होता, जिसमें 5 नंबर अंग्रेजी के सवाल के जोड़े गए हैं और माइनस मार्किंग 1/4 है। तो आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पेट में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अंग्रेजी से जुड़े सवाल शामिल करने का है। वर्तमान में इस आयोग की भर्तियों में अंग्रेजी जुड़े सवाल नहीं पूछे जाते, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम में जो आंशिक सहमति मिली है, जो इस तरीके से हो सकता है, समान हिंदी व अपठित गद्यांश आधारित 15 प्रश्न, समान अंग्रेजी अपठित गद्यांश 5 प्रश्न, गणित तर्क शक्ति ग्राफ तालिकाओं पर आधारित सवाल 30, और सामान्य ज्ञान समसामयिक यूपीजीएस सब कुछ ये 50। तो बड़ा सेक्शन जीएस का है, फिर 30 आपके रीजनिंग मैथ हो जाएगा, 15 आपका ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपके होंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये चीज़ें परिवर्तन की जा रही हैं, लेकिन आयोग को अपने ढर्रे को भी परिवर्तित करना पड़ेगा। अगर परीक्षाएं ऑनलाइन होती, समय से परीक्षाएं होती, रिजल्ट आता, तो छात्रों में ये निराशा ना रहती। पिछले 1.5 साल से करीब देख सकते हैं आयोग की कार्यप्रणाली बहुत सुस्त, एक भी वैकेंसी नहीं। और जो पिछले रिजल्ट हैं लोअर मेंस का भी कोई डिसाइड नहीं है कि कौन सा कब कराएंगे, ये कैसे है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं, 100 नंबर का होगा, प्रत्येक 1 नंबर के होंगे। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, आपके मन में जो विचार हो, जो आपके सुझाव हो, नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको तैयारियां कराते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अथेंटिक अपडेट होगी हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करिए। थैंक यू।